नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आकृति। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोग ने मेरा YouTube जर्नी का वीडियो बहुत पसंद किया। दोनों पार्ट को आपने बहुत सराहा और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए मेरे वीडियो पे। अब चलते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको वो प्लांट दिखा देती हूँ जिसके बारे में हम आज पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपके घर में या आपके बालकनी में धूप नहीं आते हैं तो आप इस प्लांट को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये जो दो पत्तियाँ आई हैं ये भी पानी में जब मैं रखी थी प्लांट को तभी इसी में ग्रो हुए हैं। अब आप इसके मदर प्लांट को भी देख लीजिए। से मैं इसकी एक छोटी सी कटिंग लाई थी, देखिए। और कटिंग भी कोई बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, देखिए कितनी पतली कटिंग है। और यहाँ से नए नए रूट्स निकल रहे हैं। ये पान का पत्ता है जिसे बीटल लीफ भी बोलते हैं। और इस पान के प्लांट को हम घर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा केयर करनी पड़ेगी। और वो कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे कि आप पतली से पतली कटिंग को भी पान के पत्ते प्लांट को आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये एक हर्बल प्लांट है। तो सबसे पहले हम इसे जिस पॉट में लगाएंगे वो पॉट में दिखा देती हूँ। इसके जो पॉट आप सिलेक्शन करें थोड़ी गहराई वाली पॉट सिलेक्शन करें। अभी मैं छोटा पॉट ले रही हूँ क्योंकि मेरे प्लांट छोटे हैं। जैसे जैसे बड़े होंगे उस तरीके से मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। ये देखिए गहराई वाले, ऊपर से कम चौड़ा है चलेगा बट इसकी गहराई अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इस पर छोटे छोटे पत्थर रख इस तरीके से इसके ड्रेनेज को मैं रेडी कर ली हूँ। देखिए अब आते हैं इसकी मिट्टी। देखिए इसकी मिट्टी मैं रेडी कर रही हूँ। ये है गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल है ये। और ये थोड़ा सा कोकोपीट मैंने लिया है, ये देखिए कोकोपीट। और ये वर्मी कंपोस्ट, आप इसके जगह ये कोई भी ड्राई खाद जैसे गोबर खाद या सड़ी हुई पत्तियों से बने हुए खाद आप यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें मैंने सैंड भी मिक्स किया। सैंड की जगह आप चाहे तो परलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी इसकी जो है वो हल्की होनी चाहिए जिससे कि इसकी जो रूट है बहुत ही ईजिली स्प्रेड हो सके। तो ये तीनों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं बट मैं नॉर्मल ग्लव्स रहते हुए भी मैं हाथ से करती हूँ क्योंकि मुझे हाथ से टच करके मिट्टी को इसके टेक्सचर पता चलता है कि ये मिट्टी सही तैयार हुई है या नहीं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। अभी तो मिट्टी मेरे पास थोड़े लगते हैं, कम हो गए। लगाने से पहले कुछ टिप्स हैं जो आप ध्यान रखिएगा कि जो इसके जो रूट हैं वो डैमेज ना हो। दूसरी बात, बिल्कुल थोड़े थोड़े रूट जब आए तब आप इसे मिट्टी में ना लगाएं। देखिए कितने बड़े हो गए हैं, उसके बाद ही मैं इसे लगाने वाली हूँ, ट्रांसफ़र करने वाली हूँ मिट्टी में। देखिए कितना बड़ा है, उसके बाद ही मैं इसे बहुत ही हल्के हाथों से सिर्फ आप इसे ऐसे रखिएगा। प्रेस बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल सेंटर पॉट के सेंटर में रख के चारों तरफ से आप मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी थोड़ी कम पड़ गई, मैं और ला करके भर दूंगी। ये देखिए बस इस तरीके से मैं यहाँ तक मिट्टी इसकी भरूंगी, ये लेवल तक मिट्टी इसमें भरूंगी। यही मिट्टी तैयार करके जिसमें कोकोपीट सैंड थोड़े गार्डन सॉइल हो। अब दूसरी बात कि जब आप इसे पानी में रखें तो क्या क्या केयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही ये डेढ़ महीने से इसी पानी में नहीं था। पानी भी आप हमेशा हफ्ते में एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप इसकी पानी चेंज करें, अदरवाइज़ पूरे बॉटल में ग्रीन आलगी काई जैसा लग जाएगा और उससे आपके जो रूट हैं प्लांट के वो ख़राब हो जाएंगे। तो आप इसकी पानी ज़रूर चेंज कीजिए। और आप किस कहाँ पे रखेंगे जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना हो,
आप वैसे जगह रखिए जहाँ इसे छन के लाइट, मतलब विंडो के पास आप रख सकते हैं, जहाँ इसको हल्की लाइट आते रहे। अब उसके बाद यही पानी, अब आज मैंने इसे आज ही चेंज किया है पानी, तो यही पानी मैं इसे पहला पानी हमेशा भर के दे दीजिएगा। देखिए मिट्टी कम है इसलिए ये थोड़ा हिल गया इस तरीके से। ड्रेनेज चेक कीजिएगा, ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। इस तरीके से पूरा पानी आपको दे देना है, पहला पानी हमेशा इतना दे जिससे कि उसकी ड्रेनेज, देखिए इस तरीके से ड्रेनेज इसकी होनी चाहिए, पानी नीचे से आराम से निकल जाए। सनलाइट की बात करें तो इसे सुबह की या शाम की हल्की, जो 2 से 3 घंटे की ठंडी वाली जो धूप होती है वो सनलाइट इसे पसंद है। अगर आपने इसे तेज़ धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी, और ये इतना डेलिकेट है, आप इसे डेलिकेट भी कह सकते हैं, क्योंकि धूप ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप इस प्लांट को घना करना चाहते हैं तो ये क्या है, बेल की तरह बढ़ते जाते हैं, तो आप इसे क्या कीजिए, ऊपर से प्रूनिंग करते जाइए, मतलब जब ऊपर की पत्तियाँ निकले तो ऊपर की जो 2-3 छोटी पत्तियाँ उसे प्रून कीजिए, तो जिससे वो नए नए ब्रांचेस निकालेंगे और आपके प्लांट मीडियम हाइट पे रह के भी बहुत ही घना रहेगा। प्लस नीचे की जो मैच्योर पत्तियाँ हैं उसे ज़रूर निकाल दें, क्योंकि वो लास्ट में वो चाहे तो सूख कर उसकी जो एज हो जाएगी तो वो सूख जाएंगी या पीली पड़ के खुद ही झड़ जाएंगे, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। गुड़ाई जब करेंगे इसकी तो ज़्यादा गुड़ाई इसमें ना करें, क्योंकि बिल्कुल साइड साइड में थोड़ा सा करें, क्योंकि ज़्यादा डीपली इसकी जो रूट हैं पूरी तरह स्प्रेड रहते हैं तो रूट डैमेज हो सकता है, इसलिए ज़्यादा गुड़ाई इस आप साइड साइड में हल्की कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ना करें। पानी देते समय ध्यान रखें कि जब तक ऊपर की सॉइल 1 इंच कम से कम सूखी हुई ना हो तब तक आप इसे पानी ना दें। वैसे ये मॉइस्ट सॉइल बहुत पसंद करते हैं, बिल्कुल नमी बनी रहे मिट्टी में, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना हो, पानी मिट्टी सौगी ना हो। अब हम बात करते हैं कि इसकी पत्तियाँ पीली क्यों पड़ जाती है। तो इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने का 2 रीज़न है। पहला रीज़न है ओवर वाटरिंग। अगर आपने इस प्लांट को ज़्यादा पानी दे दिया तो इसकी पत्तियाँ पीली हो जाएंगी और इसके रूट्स भी गलने लगेंगे। दूसरी अंडर वाटरिंग, अगर आपने इसे कम पानी दिया तो भी इसकी पत्तियाँ पीली पड़ेंगी और सूखने लगेंगी। तो इसको पानी बहुत ही ध्यान से संभाल कर देना है, ना ओवर वाटरिंग होनी चाहिए ना अंडर वाटरिंग। तो है ना कितना आसान पान के पत्ते, पान के प्लांट को घर में ही ग्रो करने। अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो कम से कम छोटा सा छोटा प्लांट भी 250 से 300 रुपये में आपको मिलेंगे। हमारे एरिया में तो इसी रेट में मिलते हैं, आपके एरिया में कौन से रेट किस रेट में मिलते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पहले मैं छोटा ही पॉट दी क्योंकि प्लांट छोटा है, प्लांट के हिसाब से ही पॉट दी, ये भी एक रीज़न है। अगर आप इसे पहले से ही बड़ा पॉट दे देंगे तो प्लांट हमारा छोटा है तो बड़े पॉट के हिसाब से आप पानी भी उसे देंगे, जिसके कारण इसे पानी ज़्यादा मिलते रहेगा और इसकी मिट्टी सौगी बनी रहेगी, क्योंकि वो उतना पानी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और उसके बाद आपके जो प्लांट्स के रूट हैं वो गलने लगेंगे। तो ये एक रीज़न है पॉट सिलेक्शन के लिए। उसके बाद आप इसे ट्रांसफ़र करने के बाद सेमी शेड में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट मत दीजिए। और ये वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह अपना प्यार मेरे वीडियो मेरे चैनल पर बनाए रखिए और वीडियोज़ देखते रहिए, शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए प्लांट के साथ या फिर नए पेंटिंग के साथ। मेरे चैनल पे प्लांट्स और पेंटिंग दोनों एक साथ मिलेंगे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।